आज के इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं Xiaomi के न्यू लॉन्च मोबाइल के बारे में, जो कि है Xiaomi का Note 10 Lite। Xiaomi ने Note 10 के बाद Note 10 Lite का इसलिए फैसला किया क्योंकि Note 10 और Note 10 Pro लोगों के बजट रेंज से ऊपर के सेट थे। हमारे पाकिस्तान में इन दोनों सेटों को बहुत पसंद किया गया, लेकिन कम इसलिए ख़रीदा गया, बहुत कम ख़रीदा गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। Note 10 Lite एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आ रहा है, क्योंकि ये लॉन्च हो रहा है 65,000 की प्राइस टैग में। वो लोग जो हाई रेंज के फ़ोन पसंद करते हैं, जो लोग गेमिंग पसंद करते हैं, जो लोग इस तरह के मोबाइल पसंद करते हैं जिसमें उन्हें बहुत ही अच्छा प्रोसेसर मिले, जिसमें उन्हें कैमरास की बहुत अच्छी क्वालिटी मिले, उनके लिए बेस्ट सेट है। Note 10 के बाद Note 10 Lite में खास बात ये है कि ये आपको 65,000 की प्राइस रेंज में मिल रहा है, और इसमें जो प्रोसेसर यूज़ हुआ है वो सेम वही प्रोसेसर है जो Note 10 में यूज़ हुआ था, यानी कि स्नैपड्रैगन का 730G गेमिंग चिपसेट है। नो हीट, नो लैग, हाई परफॉर्मेंस और बेस्ट प्रोसेसर्स में आने वाला प्रोसेसर है ये। 5G सपोर्ट है प्रोसेसर में, लेकिन मोबाइल में भी 5G सपोर्ट नहीं दी गई, क्योंकि पाकिस्तान में अगले आने वाले कुछ 4-5 साल तक कोई 5G का ऑप्शन नहीं है, इसीलिए 5G की ऑप्शन अभी इसमें मौजूद नहीं है। बहरहाल, जहाँ तक बात करें इसके प्रोसेसर की बात हो गई, सबसे मेन चीज़ इसकी मेमोरी स्टेटस। मेमोरी स्टेटस इसका जो है 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आता है। उसके बाद इसके कैमराज की मैं बात करना चाहूँगा, तो इसमें बैक पे जो है 5 कैमरे लगे हैं, वही Note 10 की तरह सेम टू सेम। फ़र्क सिर्फ ये है, Note 10 में आपको मेन कैमरा देखने को मिलता था 108 मेगापिक्सल का, जबकि यहाँ पे आपको कैमरा मिल रहा है 64 मेगापिक्सल का, जो कि एक बहुत ही अच्छा कैमरा है, लो क्लास कैमरा नहीं है। हाँ, अगर ये इसमें 32 मेगापिक्सल का लगाते तो मैं कहता कि ये बहुत ही बुरी चीज़ है, बट 64 मेगापिक्सल इज़ ओके। Xiaomi के हम पहले भी 64 मेगापिक्सल देख चुके हैं, 64 मेगापिक्सल बहुत एक अच्छा कैमरा लगाया गया है इसके अंदर। उसके बाद इसमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी लगाया है, साथ इसमें 8 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो देखने को मिलता है, 5 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा लगाया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पहले 2 मेगापिक्सल के होते थे, 5 मेगापिक्सल का दिया गया है। उसके बाद 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग। हाँ, जहाँ तक बात रही इसके सेल्फी कैमरा की, तो एग्री करूँगा कि 16 मेगापिक्सल एवरेज है, 16 मेगापिक्सल एवरेज है, जबकि इसको कम से कम भी 24 होना चाहिए था फ्रंट कैमरा को, बट एब्सोल्यूट इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, कोई बुरी नहीं है। ये आप इसी के रिज़ल्ट देख रहे हैं, 16 मेगापिक्सल कैमरा है, इसका रिज़ल्ट ही है ये, इस तरह का रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। इसमें अगर हम बात करें इसकी बैटरी की, तो इसमें 5220 mAh की बैटरी यूज़ की गई है, जो कि बहुत ही क्लास का बैटरी टाइमिंग हमें प्रोवाइड करेगी। इसकी बैटरी टाइमिंग तकरीबन, मैं आपको अपने अंदाज़े के मुताबिक बताऊं तो जो यूज़ डे टू डे यूज़ की इसकी बैटरी टाइमिंग है, वो तकरीबन इसकी 9 घंटे की बैटरी टाइमिंग आपको गेमिंग पर प्रोवाइड करेगी। अगर आप एक पबजी यूज़र हैं तो आपको बहुत अच्छी गेम बैटरी टाइमिंग मिलने वाली है इसमें। गेम परफॉर्मेंस एब्सोल्यूट बात है, 730G का चिपसेट है, आपको पबजी तो मज़े की, सही मज़ा आ जाएगा पबजी पे इसका। उसके अलावा ग्राफिक्स इसमें Adreno के 618 के लगे हैं, तो ये वो भी जारी बात है, आपको ग्राफिक्स अच्छे मिलेंगे। स्क्रीन वैसे इसमें बहुत अच्छी लगी थी, तो आपको परफेक्ट है। ऊपर से 6.5 इंच का डिस्प्ले, मतलब एनिमी तो गया, सही बात कर रहा हूँ, एनिमी कोई नहीं बचता आपका। उसके बाद मज़े की बात, इसमें जो टच लगा हुआ है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, क्योंकि नीचे एमोलेड डिस्प्ले है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है इसके अंदर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की वह एमोलेड डिस्प्ले लगाया, और टच भी जाहिर सी बात है, कौन फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह का होगा इसका। आप देख चुके हैं पहले भी जिन मोबाइलों में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दिया गया, उनके टच बहुत ही एक्सपेंसिव है। और नो डाउट Xiaomi के Note 10 और Note 10 Lite में कोई फ़र्क नहीं है टच के और डिस्प्ले के मामले में, तो आपको गेमिंग परफॉर्मेंस खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसी मिलने वाली है। उसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूँगा इसके चार्ज अडोप्टर के बारे में। इसमें फास्ट चार्जिंग दी गई है 30 वॉट्स की, यानी कि फ़ास्ट चार्जिंग है, टाइप सी के साथ अवेलेबल है, और इसमें यह है कि आपको 65 मिनट्स चाहिए, अराउंड अबाउट 65 मिनट्स आपको 0 to 100 चार्ज करने के लिए। बहुत से लोग कहते हैं फास्ट चार्जिंग किस चीज़ की, जब 1 घंटा चाहिए बैटरी टाइमिंग को, बट इसमें मेन बात यह है कि आपके पास 5220 mAh बैटरी है, इतनी बड़ी बैटरी है, एक नॉर्मल चार्जर चार्ज करेंगे तो आपको मिनिमम भी 3.5 से 4 घंटे गए आपके बैटरी चार्ज होने में, बट इसमें आपके पास 65 मिनट्स का फुल टू फुल टाइम है, बहुत अच्छी है ये चीज़ भी।
इसके बाद इसमें सबसे मज़े की चीज़ जो है, इसमें हमें NFC अवेलेबिलिटी दी गई है। NFC आपके पास है यानी कि आप NFC के सारे काम इसमें एक्सेस कर सकते हैं। कैमराज की इसमें बात हो गई, इसमें हमारे पास डिस्प्ले की बात हो गई। हाँ, इसके जहाँ तक रहे कैमरा परफॉर्मेंस की बात, का शायद कैमरा परफॉर्मेंस में इसके फ़र्क होगा, तो इसमें नोट 10 से ज़्यादा फीचर्स अवेलेबल हैं कैमरे में। थोड़ा सा जूम का फ़र्क है, जहरी बात 108 मेगापिक्सल कहाँ और 64 कहाँ। जूम का आपका 50-50 का फ़र्क आ रहा है इसमें। क्वालिटी का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्वालिटी का बहुत थोड़ा सा फ़र्क है आपके पास। इसके अलावा मैं प्रेफर करूँगा इस सेट को हमारे उन भाइयों के लिए जो गेम्स को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जो कि पबजी को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बहरहाल, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, वीडियो लाइक करें, मुझे कमेंट ज़रूर करना कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी।